तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो ये जो एक्चुअली अभी तक हम लोग जितना पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें जो भी हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, सो इसके रिगार्डिंग इनमें सब में एक ही चीज बताई जा रही थी कि सॉलिड सेपरेट्स फ्रॉम लिक्विड, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, राइट। तो जनरली अगर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो रहा है कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, दैट मींस वो क्या हो रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड के लिक्विड में से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, राइट। तो यही हम लोग प्रेसिपिटेशन में कर रहे थे। अभी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन को दो चीजों में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक है आईपी इक्वल्स टू के एस पी, आईपी का मतलब होगा आयोनिक प्रोडक्ट, ओके। और के एस पी का हम लोग को पता है, ये के एस पी किसका कॉन्स्टेंट है, सॉल्युबिलिटी कॉन्स्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्स्टेंट है, दैट इज के एस पी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है, ये दोनों सेम तरीके से एक्सप्लेन किए रहते हैं, लाइक इनका डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो एक ही तरीके से डिफाइन किए रहेंगे, जस्ट डिफरेंस इतना है कि हियर वी सी द आयोनिक आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन और यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन यहां पे इक्विलिब्रियम तक रहता है और ये हमारा आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है। दोनों का जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सेम है, और ये दोनों के अंदर हमें प्रेसिपिटेशन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, सो उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई है। तो वो कंडीशन हम लोग क्या है, पहले तो आईपी इक्वल्स टू के एस पी, मतलब जब आपका आयनिक प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है, आयनिक प्रोडक्ट दैट इज हमारा कटायन और एनायन, अगर कोई भी डिसोसिएशन हो रहा है, ये एक चीज केमिस्ट्री की बहुत अच्छी है कि अगर हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट अगर हमें मिल रहा है ना, तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट हमारा एक जो जो भी कंडीशंस रहेगी, जैसे सपोज अगर हम लोग ने इसमें 50 mg कुछ कंपाउंड ऐड किया है कोई भी एक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो 50 mg उस सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, हो सकता है अलग अलग फॉर्म में हो बट वो उसमें रहेगा। सो यहां पर क्या हो रहा है, या तो वो आयोनिक फॉर्म में रहेगा, या तो वो आयन बना रहेगा, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें वो ब्रेक होकर दो दो में फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज वो एज इट इज अनडिसॉल्व फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। सो यहां पर क्या होता है कि आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा वो, और दूसरा आयनिक जो हमारा सोलिबिलिटी कॉन्स्टेंट जो हम लोग ने किया हुआ है वो, इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन जब इक्वल रहेगा तो हमारी कंडीशन क्या है, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड द सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। मतलब यहां पे आयनिक इक्वल कब रहेगा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में, जब सोल्यूशन जो रहेगा वो कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगा, दूसरा सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट रहेगा वहां पे, मतलब सोलिबिलिटी वहां पे कंप्लीटली बैलेंस्ड रहेगी, जो सोल्युबिलिटी जो भी है वो बैलेंस रहेगी वहां पे, और दूसरा सॉल्यूशन जो रहेगा वो कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगा। ऐसी सिचुएशन रहेगी जब हमारा आईपी इक्वल होगा केएसपी के, तो यहां पे ये कंडीशन मेंटेन रहेगी, कोई भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा आईपी विल बी ग्रेटर देन केएसपी, यानी यहां पर हमारा क्या होगा कि लेट्स कंसिडर कि एनएसीएल है, मैंने ऐड किया है वाटर के अंदर, AgCl ले लेता हूं बिकॉज NaCl आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। AgCl अगर मैं वाटर में ऐड कर रहा हूं तो यहां पे कंडीशन के लिए सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, यहां पे क्या होगा आईपी जो है वो केएसपी से ज्यादा ग्रेटर रहेगा, तो हम लोग NaCl कह लेंगे, क्योंकि NaCl क्या होता है कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, और कंप्लीटली डिसॉल्व होता है मतलब यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस के आयंस बहुत सारे हैं, इतने हैं कि वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। अभी अगर आप उसमें कुछ भी ऐड करते हो तो और डिसॉल्व कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जितना आप डालते जाओगे उतने कंप्लीटली, एक होता है सैचुरेशन एक होता है सुपर सैचुरेशन, सैचुरेशन लेवल मतलब कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है, उसका एक एक मॉलिक्यूल सब बाइंड हो चुके हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल, दैट इज H2O, अगर आपने पूरे मॉलिक्यूल लिए, अगर 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 के 100 मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो चुके हैं, सबके साथ में बॉन्डिंग हो चुकी है, कोई भी मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, तो दैट इज विल बी योर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर अभी आप उसमें कोई कंपाउंड डालते हो, फिर से अगर NaCl उसमें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्लोक्यूल्स बनेंगे आपको ऐसा। अगर एक सॉल्यूशन लोगे, ये सॉल्यूशन में पूरा NaCl मैंने पूरा ऑलरेडी मिक्स कर चुका हूँ, फिर से NaCl डालता हूँ, तो आपको ऐसे ऐसे जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसमें ऐसे ही पड़ा रहेगा वो कंपाउंड, ऐसे का वैसे फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे, जो छोटे छोटे लम्स बन जाते हैं और वो ऐसे ही पड़े रहता है। सो दैट विल बी योर आईपी
will be greater than Ksp, जब आपका product जो रहेगा वो उससे ज्यादा रहेगा, वहां पे आयन ज्यादा रहेंगे, तो ऐसे में क्या होता है आपका precipitation क्या होता है, form होता है, बनता है, वहां पे solute क्या होता है, solid जो रहता है वो liquid से separate हो जाता है. Next condition is Ip will be lesser than Ksp, ऐसा situation जहां पे आपका जो solution है that is unsaturated and the precipitation will not occur, मतलब कि कंसिडर कर लो आपका एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने AgCl ले लिया, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है वाटर में जब डालता तो आयंस आधे ही आयंस बन रहे हैं और Cl जो है ना वो डिसॉल्व हो रहा है नॉर्मली, मतलब वहां पे एक सुपर सैचुरेशन रीच नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा लेवल नहीं आया जहां पे हर एक मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली बॉन्ड हो चुके हैं, वहां पे कुछ मॉलिक्यूल जो है अभी भी फ्री है, तो मॉलिक्यूल अगर जब फ्री रहेंगे तो वो अवेलेबल रहेंगे कि आप कोई भी कंपाउंड उसमें ऐड करोगे और कंपाउंड ऐड कर सकते हो, तो सच सिचुएशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हो रहता है, सैचुरेशन अभी तक कंप्लीटली रीच नहीं हुआ है, दैट मींस वो अभी भी क्या हो सकता है रिएक्शन हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है, वहां पे कोई भी जो कंपाउंड हम लोग ऐड कर रहे हैं वो और डिसॉल्व हो सकता है, सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता है. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको प्रेसिपिटेशन देखना है ना तो मैं एकदम बेस्ट आपको बताता हूँ कि वाटर आपको लेना है, NaCl आपको लेना है, उसको एसिड के साथ में रिएक्ट कर लो, कोई भी NaCl हो एसिड के साथ में रिएक्ट करो, वहां पे आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होने के बाद में सॉल्ट क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वेयर यू कैन सी द प्रेसिपिटेशन अलोंग विद दैट. अगर आप केमिकल रिएक्शंस कुछ कुछ है जो लैब में अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको वहां पे नॉर्मली और एग्जैक्टली आप आंखों से देख सकते हो कि कहां पे हमें IP विल इक्वल टू द KSP, कहां पे IP जो रहता है वो KSP के इक्वल रहता है और कौन सी कंडीशन में IP जो होता है, दैट इज IP का मीनिंग याद रखो आयोनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट कब इक्वल रहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है एंड द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, तो वहां पे दोनों के दोनों इक्वल होंगे, कोई भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगा, देन यू विल सी द IP इज ग्रेटर देन KSP, IP जो है आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा ग्रेटर रहता है किसके कॉन्सेंट्रेशन में KSP में, KSP क्या है हमारा प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी कॉन्स्टेंट है, सो ये वाले दोनों कंडीशन में IP ज्यादा है, इन दैट सुपर सैचुरेशन एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा और इसीलिए वहां पे प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, फिर IP जो है वो लेसर रहेगा KSP से तो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा और उसमें प्रेसिपिटेशन विल Not occur. So ये एकदम सिंपल सी कंडीशन थी, ये आपको पूरा याद रखना, ये 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में.